तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है बिल्कुल नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी समय लगे एडिट करने में, क्योंकि वीडियो तो बहुत पहले ही शूट हो चुका था। ये वीडियो क्योंकि आप पिछला ब्लॉग मेरा देख चुके होंगे, जिसमें मैं दिल्ली से वृंदावन तक रोड जर्नी था, जिसमें हम लोग कई बार एक साथ में वृंदावन आए थे, और ये उसी वीडियो का आगे का पार्ट है। तो देखिए, आप देख सकते हैं सामने माँ वैष्णो देवी धाम टेम्पल है। ये जो मैं टेम्पल है, ये कल एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि आज रात हो चुका है आते आते। तो सामने आपको प्रतिमा भी दिख रही है वैष्णो देवी, मतलब कि देवी दुर्गा का। अभी हम लोग सिर्फ रात में प्रेम मंदिर का दर्शन करने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको प्रेम मंदिर का दर्शन ही कराऊंगा, और गाड़ी पार्किंग लगाकर वहाँ से हम लोग ई रिक्शा या जिसको टोटो बोलते हैं, वो लेकर हम लोग अभी प्रेम मंदिर की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं ये वृंदावन का रोड है, वो रात में काफ़ी अच्छा लगता है, और आपको ई रिक्शा आपको 10 या 15 रुपये लेगा वहाँ से। यहाँ पे पार्किंग है। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप गाड़ी लेके आते हैं फोर व्हीलर, तो कृपया पार्किंग में लगा दें, क्योंकि आगे जाने पर आपको पार्किंग नहीं मिलेगा। आपको मंदिर में जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, और मंदिर सिर्फ 8 बजे तक ही एंट्री होता है, रात के 8 बजे तक, उसके बाद एंट्री बंद हो जाता है। तो थोड़ा ये इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और अब प्रेम मंदिर में आपसे मिलते हैं। काफ़ी अभी दोस्तों भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं। अभी हम लोग रोड पर आ चुके हैं। ये सामने एक पार्किंग ये है, जो मल्टी लेवल पार्किंग है, और ये देखिए वहाँ से आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा रास्ता है, और हम सब लोग फुल स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है एंट्री लेने के लिए प्रेम मंदिर में। अब एक बार एंटर कर गए तो आप अंदर में इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, माता रानी का दर्शन कर सकते हैं, और 8 बजे बाद एंट्री बंद हो जाता है। उसके बाद एग्जिट वो धीरे धीरे 9:30 बजे तक कराते रहते हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता है, देखिए काफ़ी लोग पैदल ही चल रहे हैं, और शाम के समय का ऐसा वहाँ का लुक है दोस्तों, जिस तरह का नज़ारा होता है वहाँ पर। तो चलिए आप देखते रहिए वीडियो को, और आगे आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं दोस्तों मंदिर में। कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, देख सकते हैं काफ़ी शानदार मंदिर बनाया है। अभी आकर्षक लुक है, काफ़ी सुंदर दिखता है, और ये सामने कुछ बाल लीला दिखाया गया है कृष्ण भगवान का, और ये सामने मंदिर है प्रेम मंदिर, दिख रहा होगा आपको। और इसका कलर हर एक समय समय बदलते रहेगा, 5 मिनट पर देखिए, कभी कभी किस कलर, कभी किस कलर में होते रहता है, अलग अलग कलर में। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो कृपया अगर आप आएँ तो थोड़ा सा अपने बच्चों को ध्यान जरूर रखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सिर्फ भूले आइएगा नहीं आप, इसका कैंपस बहुत बड़ा है, इसी में सभी लोग रहते हैं घूमते हुए चारों तरफ, बस अंदर में आप रहिएगा। और ये कुछ ऐसा दिखता है मंदिर दोस्तों। तो अभी मैं आपको ये मंदिर अंदर से भी दिखाऊंगा, फिर तो आपको बाहर में दिखाता हूँ क्या क्या बना हुआ है। ये कुछ देखिए, जो वो माता को चढ़ाते थे कृष्ण भगवान बाल रूप में, वो दिखाया गया है, जो यमुना देवी किनारे। ये देखिए हिरण बना हुआ है, गाय बना हुआ है, सब जंगल जैसा, अच्छा खासा अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। ये काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ऐसा भी होगा। तो चलिए अभी हम लोग मंदिर के अंदर भी चलेंगे, ये देखिए कुछ ऐसा भी होगा। ये हमारा मंदिर है प्रेम मंदिर, और ये देखिए गोवर्धन पर्वत, जो कृष्ण भगवान उठा लेते अपने कानी उंगली पे, वो दिखाया गया है दोस्तों। और चलिए अब अंदर हम लोग आ चुके हैं, ये है मंदिर कुछ ऐसा दोस्तों। अंदर से काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों मंदिर, देखिए अंदर भी पूरा अलग अलग तरह का लाइट लगा हुआ है, जिससे काफ़ी अच्छा लुक निकलता है इस मंदिर का। और अंदर में कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, देखिए बहुत लोग प्रेम मंदिर सिर्फ बाहर से ही देख कर चले जाते हैं, पर अंदर से इसको देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है अंदर देखने में। ये देखिए कुछ ऐसा है मंदिर प्रेम मंदिर, ये देखिए। और काफ़ी सभी लोग अपने अपने मोबाइल में इसका वीडियो बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो हमेशा इसको देखते रहें। तो दोस्तों ये प्रेम मंदिर था, तो चलिए अब हम लोग आपसे सुबह मिलेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, और आपसे सुबह बाकी भी आगे मंदिर घूम जाएंगे, तो वहाँ पर मिलेंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी हम लोग सुबह में गाड़ी में हैं। आप सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग रात में प्रेम मंदिर घूमने के बाद हमारे बगल में एक फ्रेंड रहते हैं, उनके यहाँ चले गए थे हम लोग रहने के लिए, और रात में वहीं पर स्टे किए, नाइट स्टे।
और वहाँ से हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो चलिए हम लोग आ गए। देखिए दोस्तों, हमारी रात तो काफ़ी लंबा था, पर आपके लिए मालूम नहीं चला वीडियो में, हम लोग सोए सुबह में रेडी हुए और हम लोग आ चुके हैं बांके बिहारी टेम्पल दर्शन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों रात में बांके बिहारी नहीं जा सकते थे क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था, तो अभी सुबह में ही मेन बांके बिहारी टेम्पल हम जा रहे हैं। और ये कुछ ऐसा रास्ता है, वृंदावन की गलियाँ हैं पतली पतली सी, काफ़ी अच्छी दिखती है दोस्तों ये गलियाँ। और साथ में धर्मेंद्र भैया, राजा भैया सब लोग हैं, रून भैया, कवि भैया, और हम लोग ये मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रसाद लेंगे और अभी एंट्री से शुरू हुआ नहीं है, तो हम लोग एंट्री शुरू जैसे ही होगा तो मंदिर में प्रवेश करेंगे दोस्तों। और ये कुछ ऐसा है गलिया, देखिए वृंदावन का, और ये है मेन एंट्रेंस, देखिए लिखा हुआ है श्री बांके बिहारी मंदिर, गेट है ये, यहीं से एंट्री होता है। तो अभी एंट्री तो बंद है, पर एंट्री जैसे ही चालू होगा तो हम लोग अंदर एंट्री शुरू करेंगे और हम भी दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी दर्शन कर पाएँ श्री बांके बिहारी जी की। ये देखिए काफ़ी भीड़ है दोस्तों, क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे लड्डू वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये देखिए, और अगर आप दोस्तों बांके बिहारी टेम्पल दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह से वहीं आएँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे भीड़ बढ़ते जाता है यहाँ पर। और ये देखिए एक बंदर है, किसी का गॉगल्स ले लिया है, ये नहीं रहा है। देखिए ये देखिए क्या कर रहा है गॉगल्स के साथ। ये देखिए ये प्रवेश द्वार और यहीं पर ये बंदर है। यहाँ पे बंदर बहुत दोस्तों, बंदर से कृपया बच के आप आए तो थोड़ा ये ध्यान रखें। ये देखिए दे नहीं रहा है बंदर, और ये लगे हुए हैं भाई साहब, देखते काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि वो किसी तरह से दे दें, तो दिया नहीं। तो चलिए अब हम लोग अब एंट्री शुरू करते हैं अंदर। और ये गली है कुछ पतला पतला सा गली है, और यहाँ पे बाल रूप में विराजमान है श्री कृष्ण भगवान का, जिसे बांके बिहारी टेम्पल बोलते हैं, बांके बिहारी मंदिर। और ये कुछ ऐसा गली है, और हम लोग धीरे 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 अंदर की ओर जा रहे हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा, मैं अब बोलूँगा नहीं, पर आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों हम लोग अब प्रसाद ले रहे हैं, जो यहाँ का फेमस है पेड़ा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ा ही प्रसाद के रूप में जा रहा चलता है, इसलिए हम लोग पेड़ा ही ले रहे हैं। वृंदावन का पेड़ा, मथुरा का पेड़ा आप सुने होंगे, कहा गया मथुरा का पेड़ा बहुत अच्छा होता है, तो यही हम लोग पेड़ा यहाँ से ले रहे हैं। और पेड़ा लेकर के अब सीधे अंदर मंदिर में जाएँगे और बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे। तो देखते रहिए आप वीडियो। दोस्तों हम लोग दर्शन कर लिए बांके बिहारी जी का, आप उम्मीद करता था अभी देख लिए होंगे बांके बिहारी जी को। और ये कुछ गली है ऐसा, और हम लोग अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे आगे हम लोग अब निधिवन की ओर चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, और पहले मैं आपको दिखा दूँ कि बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल अपोजिट साइड पीछे की ओर यह यमुना नदी, जहाँ पे कृष्ण भगवान गौ माता को चराने आते थे, जो आप फिल्म में देखे होंगे कार्टून वाले फिल्म में, कि कृष्ण भगवान बाल रूप में गौ माता को चराते थे। तो कुछ ऐसा है नज़ारा। और अब हम लोग जा रहे हैं निधिवन की ओर बांके बिहारी मंदिर से। जो अभी सुबह सुबह का समय है, वो ज़्यादा भीड़ नहीं है कहीं पे, तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जा रहे हैं।
तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों निधि वन की ओर, और वहाँ पे आपसे मिलते हैं निधि वन में। और बगल से बिल्कुल यमुना नदी हमारे साथ साथ चल रही है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जगह है दोस्तों वृंदावन, काफ़ी सुंदर जगह है। छोटा सा ये मतलब कि शहर है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और हम लोग आ चुके हैं निधि वन, तो चलिए निधि वन में जा रहा कुछ नहीं है दोस्तों, निधि वन के बारे में हमको भी ज़्यादा जानकारी नहीं क्या क्या है, तो जो भी आपको दिखेगा मुझे दिखेगा मैं आपको दिखा दूंगा, तो देखते रहिए आगे। तो दोस्तों निधि वन यही था, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाने का आपको था नहीं, जंगल है, छोटा पेड़ है यहाँ पे, और लोग काफ़ी यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह पे स्पोर्ट है, कुछ स्पोर्ट को कुछ बताया गया कि किस भगवान बचपन यहाँ ये करते थे ये करते, ऐसा कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे वन के जैसे छोटा सा एक, तो बस वही एक स्पोर्ट जगह जहाँ जहाँ पे कुछ है। और बाकी थोड़ा छोटा छोटा मंदिर है कि इसी को निधि वन बोलते हैं दोस्तों, और इसको काफ़ी अच्छी तरह से बचा कर रखा गया है, तो वैसे कि कुछ नुकसान न पहुँचे, पूरा जाली से कवर किया हुआ है कि लोग कुछ कर ना पाए। और लोग यहाँ पे नाच रहे हैं गा रहे हैं, बस यही यहाँ पे निधि वन में। तो हमारा एक मेन आकर्षण केंद्र है वैष्णो देवी टेम्पल, वो मैं दिखाऊंगा, वो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके आगे अगले इससे आगे जाएंगे तो वहीं पर जाएंगे, इसी वीडियो में आप देखते रहिए, थोड़ा तो वीडियो लंबा होगा दोस्तों पर मज़ा आएगा। तो चलिए अब आगे आपसे मिलते हैं, और ये कुछ ऐसा है देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए छोटा जैसा पेड़ है जैसे लग रहा है तुलसी का पौधा है कि किस चीज़ का पौधा है, और लोग बस इसी में घूम रहे हैं, और पूरा में ऐसा ही बनाया हुआ है जाल के जैसा, गुफा के जैसा बनाया हुआ है, और ये कुछ इधर लगा हुआ है बैनर, आप अगर वीडियो पॉज कर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो चलिए अब आगे आपसे मिलते हैं दोस्तों, और दोस्तों ये बाहर निकले कुछ ऐसा स्ट्रीट है यहाँ का गली, तो अब चलिए हम वैष्णो देवी टेम्पल चलते हैं। और अभी हम लोग ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे तो रोड पे खड़ा है, और ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ का वाइब ही अलग है। तो चलिए अब वैष्णो देवी टेम्पल चलते हैं। तो दोस्तों ये है वैष्णो देवी टेम्पल, देखिए सामने आपको दिख रहा होगा देवी दुर्गा का बहुत बड़ा स्टैचू है बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा बनाया गया दोस्तों इस मंदिर को, अंदर से काफ़ी अच्छा लुक है ये देखिए। तो चलिए अब हम लोग अंदर एंट्रेंस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी भी टाइट रहता है,
तो अंदर एंट्री करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है दोस्तों, क्योंकि ये मंदिर हमारे लिए भी पहली बार है, हमें भी नहीं मालूम है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे वैसे आपको हम दिखाते जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो कृपया लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को। आपको ऐसे ही वीडियो आगे आते रहेगा। फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये देखिए देवी दुर्गा का कितना बड़ा साइज हुआ, आपको काफ़ी करीब से मैं दिखाऊंगा, वो दूर से काफ़ी छोटा लग रहा होगा, जैसे जैसे हम लोग करीब पहुंचेंगे आपको दिखने लगेगा कितना बड़ा है ये टेम्पल और स्टैचू कितना बड़ा है। तो दोस्तों हम लोग एंटर कर चुके हैं मंदिर में और इसके ऊपर में जो स्टैचू बना हुआ है बहुत बड़ा देवी जी का, वहाँ पे भी जाएंगे। फिलहाल ये अंदर में कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर आकर दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अंदर की वाइब अलग है और ये भी कुछ ऐसा है नज़ारा अंदर का। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों ये मंदिर, ये देखिए। और ये अंदर में सभी लोग आके थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं और बैठ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पे। और अंदर में कुछ ऐसा है दिखता है, काफ़ी अच्छा बनाया गया इस मंदिर को। और ये सामने ये है देवी दुर्गा जी का टेम्पल, स्टैचू जो लगा हुआ है, और कुछ अंदर में ऐसा बनाया गया इस टेम्पल को, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। सभी लोग इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने मोबाइल में और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा ये लग रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए। ये देखिए, पर आप गए नहीं हैं, पर मैं अपने आँखों से अपने कैमरा के द्वारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब हमारे साथ डिजिटल जर्नी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक बनता है दोस्तों, या इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अभी चलते चलते थक गए थे, तो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। काफ़ी शांति है अंदर में, तो ठंड लगा ठंड अंदर ठंडा है थोड़ा सा एरिया बाहर के मुताबिक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ कर। तो चलिए देखते रहिए, अभी इसमें और भी जगह है घूमने के लिए, हम लोग वहाँ भी जाने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पर जाएँगे तो हम आपको उधर भी लेकर चलते हैं। ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों ये मंदिर, काफ़ी दूरी में बनाया हुआ है मंदिर दोस्तों, काफ़ी दूरी में, बहुत बड़ा एरिया है इसका। ये देखिए ऐसा दिखता है ये मंदिर, वो जो पहाड़ जैसा दिख रहा है अभी हम लोग उसी के नीचे थे। और ये देखिए यहाँ पर गुफा बना हुआ है और हम लोग अब गुफा में अंदर एंट्री करने वाले हैं। और नीचे देखिए पानी जी गिरा हुआ है, पानी गिरे हुआ नहीं असली में गिराया गया है, और एकदम ठंडा पानी है जो पैरों को काफ़ी आराम दे रहा है, क्योंकि बहुत हम लोग चले हैं खाली पैर, इसके कारण ये हमारे पैर को काफ़ी रिलैक्स दे रहा है। और अंदर में कुछ ऐसा गुफा जैसा बनाया गया है, ये सब मतलब कि मानव निर्मित है बनाया गया है गुफा, और अंदर में ही माँ देवी के 9 देवी रूपों का मूर्ति का लगाया हुआ है अंदर में। ये देखिए यहाँ पर गणेश जी का है, उसके आगे 9 देवी जी का है, तो आप देखते रहिए अंदर में, एंजॉय करते रहिए।
तो दोस्तों अंदर कैसा आपको लगा? हमको तो काफी अच्छा लगा दोस्तों, जो अंदर में देवी जी का नौ रूप दिखाया गया है। और अभी हम लोग उस बड़ा सा जो मूर्ति था देवी दुर्गा का, जस्ट उसके नीचे हैं हम लोग, और उसका ही इसका राउंड लगा रहे हैं। और चारों तरफ कैसा नज़ारा है मंदिर के पीछे की ओर, वो हम लोग दिखा रहे थे कि पीछे कुछ और बन रहा है, मंदिर ही बन रहा है शायद। और ये देखिए हम लोग उसको पूरा राउंड लगा रहे हैं, काफी शानदार नज़ारा है दोस्तों। व्यू काफी अलग है यहाँ का। और ये देखिए ये कुछ पहाड़ के रूप में ऐसा कुछ बनाया गया है, सब मानव निर्मित है। और ये देखिए जस्ट उसके नीचे, ये देखिए पीछे से नज़ारा। और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग आगे से भी दिखाएंगे। काफी विशाल का प्रतिमा है दोस्तों देवी जी का, ये देखिए सभी लोग इसका चक्कर लगा रहे हैं, गोल चक्कर। और ये देखिए कैसा बनाया गया है, ये देखिए दोस्तों सामने से देवी जी का प्रतिमा। एक और गुफा है दोस्तों, उस गुफा में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हम लोग अंदर का देखिए व्यू कैसा है, तो दोस्तों आपको वीडियो यहाँ तक कैसा लगा? ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा दोस्तों, दो दिन का ये पूरा वीडियो बना है। और ये देखिए कुछ ऐसा है मंदिर ये। तो दोस्तों अगर वीडियो आप देखें यहाँ तक, तो कृपया लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब हम लोग इस मंदिर से बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, ये है इच्छित वाला गेट। अरे कुछ ऐसा राधा कृष्ण का यहाँ पे स्टैचू प्रतिमा कुछ बनाया गया है दोस्तों ऐसा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को फिर एंड करते हैं और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप कुछ इस व्यू को एंजॉय करिए और हम लोग एग्जिट ले रहे हैं इस मंदिर से और आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।